तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी बज रहे सुबह के 10 और मैं उठ चुका हूँ। मतलब उठ तो मैं बहुत पहले का गया, तो बाहर का मैंने वेदर देखा तो बाहर का वेदर बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि सुबह पड़ रही थी बारिश और अब थोड़ी जाके शांत हुई। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या है। देखो बिल्कुल फोके फोके सो गया है यहाँ पर। वहाँ पार तक साफ है और मौसम भी आज बहुत ही बदला बदला सा है। मेरे को पता था 2-3 दिनों से कि बारिश कभी ना कभी तो पड़ेगी, पर सुबह पड़ रही थी तो बहुत ही तेज पड़ रही थी बारिश, तो अब जाके कहीं शांत हुई है। तो अभी बज रहे 10 और मौसम भी थोड़ा ख़राब है, वैसे लिटरली हमेशा ही ख़राब रहता है, तो आज भी ख़राब ही है। तो अभी चलते ज़रा और दिन की शुरुआत कर लेते हैं, कहते अभी चलते हैं ऊपर। और अभी मैं चेक कर रहा था तो लाइट भी गई हुई है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ की कि मतलब जैसे भी कुछ बारिश आती है या बर्फ़ आती है तो लाइट सबसे पहले चली जाती है। तो अभी चलते हैं ऊपर। आई होप आपको लास्ट ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, इसमें भी और पिछले वाले ब्लॉग में भी। तो जी अभी आ चुका हूँ मैं अपने किचन और अब करते हैं ब्रेकफास्ट। और अभी ताज़ा ताज़ा एक स्टैंड प्यो है यहाँ नीचे, मतलब मेरे घर के पास ही, तो उसके क्लिप मैं अभी आके डाल दूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और अभी टाइम हो रहा है कुछ 11:30 के आसपास हो रहे हैं, मैं वैसे ही लेट हो गया हूँ नीचे से। तो आ गया था मैं कप का, तो ऊपर मैं घड़ी बैठा था और उतने तक वो एक्सीडेंट हो गया, तो मैंने क्लिप आके डाली, वो देख लेना। बाकी अभी करता हूँ ज़रा मैं ब्रेकफास्ट, और अभी अभी करता हूँ मैं ब्रेकफास्ट और अभी मिलते हैं आके। तो जी अभी सुबह का हुआ है एक्सीडेंट। अभी ताज़ा ताज़ा जो ये गाड़ी दिख रही है ना, ये और ये वाली गाड़ी दोनों ऐसे टकरा के, ये जो ये वाली गाड़ी थी ये ऐसे करके यहाँ गई हुई है। और ये बच गया बंदा, ये तो चलो इसको तो कुछ नहीं, पर उसमें जो बंदा था वो बच गया खैर। और अभी नीचे देखो लोग भी अभी इकट्ठे हुए हुए हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि कैसे किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है और गाड़ी का भी कितना नुकसान हुआ है नीचे। तो अभी ये बैक कर रहे थे गाड़ी यहाँ से पीछे की तरफ, तो कुछ बड़ा हादसा होने से आज टल चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ये बैक कर रहे थे गाड़ी पीछे की तरफ। जो गाड़ी की हालत है वो भी बहुत ख़राब है इस वक्त। तो आप देख ही सकते कि किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है और क्या क्या सीन हुआ था आज सुबह। तो जी अभी आया हूँ मैं ऊपर की तरफ। तो अभी बज रहे हैं 3:30 हो रहे हैं, तो अभी मेरा लंच वंच सब कुछ हो गया है वैसे भी। तो अभी ऊपर की तरफ आया हूँ और अभी बारिश भी पड़ रही है हल्की हल्की, और उधर तो पार काला ही हो गया मौसम। और देख सकते यार हल्की हल्की अभी बारिश भी पड़ रही है, और आज तो यहाँ पर वैसे भी काम लगाया हुआ पर आज बारिश की वजह से रोक दिया सुबह से लेकर, क्योंकि आज यहाँ पर लेंटर डल जाना था तो वो अभी पोस्टपोन कर दिया कल के लिए, पापा ने खुद ही पोस्टपोन कर दिया था। तो आज ऐसे भी रेता वगैरह आना था यहाँ पर, तो वो अब आएगा शायद कल ही। तो आज का मतलब लेंटर का तो पोस्टपोन ही है ऑलमोस्ट। और हल्की हल्की पड़ रही है अभी बारिश, सुबह से लेके नहीं पड़ी, अब वो होता है शाम शाम को, मौसम ख़राब है यहाँ पर भी। तो जी अभी घूम रहा हूँ मैं नीचे, और मैं नीचे देख रहा था, मेरे को ना सुबह की मतलब बात याद आती, जो वो एक्सीडेंट हुआ था वो नीचे, तो उसमें से मतलब उसमें ना जो भैया थे वो गाड़ी चलाने वाले ऑल्टो, तो उनके ना सर में थोड़ी सी चोट आई है और मतलब गाड़ी को भी बहुत नुकसान हुआ है, बल्कि एक गाड़ी को नहीं, तीन तीन गाड़ी को नुकसान हुआ है। एक कैंपर, दूसरी ऑल्टो और तीसरी भी ऑल्टो ही थी, बल्कि वो पार्क थी। कैप्चर तो मैंने बाद में किया, एक्सीडेंट तो मैंने पहले ही लाइव देख लिया था। और हालांकि वो जो बंदा है वो मतलब ठीक है, सुबह तो ऐसा लग रहा था कि बस ऑलमोस्ट, पर नहीं वो अब ठीक है जहाँ तक देखा जाए। तो यार शाम का वक्त है अभी, 4 बज रहे हैं मे बी, और मौसम डरा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जैसे लास्ट वीक में देखा होगा कि हल्की हल्की बारिश लगी थी, अब एकदम से रुक गई। अब नहीं, इस मौसम के क्या रूल है मेरे को तो आज तक समझ नहीं आया, अभी तक समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है अपने साथ और क्या मौसम करेगा। बाकी तो ऐसा है कि अब थोड़ा ठीक है, अब थोड़ा हल्का फुल्का सा हवा चल रही है बस, ज़्यादा कुछ नहीं। देख सकते हैं पेड़ कैसे हिल रहे,
तो इसे अंदाज़ा लगा दो कि ज़्यादा भी नहीं, बस हल्की फुल्की चली हुई है अभी। तो यार अभी करता हूँ मैं रेस्ट, क्योंकि एक तो होता क्या है ना कि अब जो व्लॉग है ना वो एडिट एकदम से रात को किया नहीं जाता। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ही तो रेस्ट कर लिया, वैसा खाना खा लिया, तो उसके बाद एक घड़ी मैं बैठे रहूँगा और उसके बाद फिर मैं ब्लॉग थोड़ा एडिट करते रहूँगा। तो अभी भी थोड़ा सा रहा हुआ है एडिट करने के लिए, मैं एक साथ नहीं करता हूँ, शाम को जैसे शाम को कर दिया एडिट तो मैं उस टाइम नहीं करता हूँ। तो अभी ऐसा है कि अभी थोड़ा रेस्ट भी कर लूँगा और ब्लॉग को एडिट भी कर दूँगा। और सबसे ख़तरनाक बात तो ये हो जाती है मेरे साथ कि जब भी मैं इस ब्लॉग को अपलोड करने में लगा देता हूँ ना, सारा नेट ख़त्म हो जाता है बाइक और से। तब मेरे को जैसे ऐसा रखना पड़ता है कि ना ही नेट ख़त्म हो और मेरा अपलोड भी हो जाए टाइम टू टाइमली, और आपको टाइमली वीडियो भी मिल जाए सुबह 8 बजे। तो मेरी 4 वीडियो आ चुकी है, अभी 2 वीडियो और 2-3 वीडियो और रही है बस डालने को। मतलब अब ये तो डाल दिए मैंने, तो अब आगे 2 वीडियोस और रही है, तो आप वो भी देख लेना। बाकी तो ऐसा ही अभी चला फिलहाल। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। और 1000 की फैमिली भी हमारी पूरी होने वाली है अभी 6 पनी कितने समथिंग, तो आप खुद देख लेना। और जो जो भी व्यूअर्स नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और जो जो भी पुराने सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज़ उनसे ये विनती की ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग और आगे बढ़ाओ। और हमने ये पूरी करनी है, बस 1-2 महीने में हमने पूरे 1000 सब्सक्राइबर्स करने ही करने हैं। तो आपको डेली वीडियो मिल जाएगी, आपको सुबह डेली वीडियो मिल जाएगी। और स्टे अलर्ट कि मैं सुबह वीडियोस 8 बजे डाल रहा हूँ, तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। बाकी मिलते हैं आपसे आके। तो जी अभी के बज रहे हैं 6 और सनसेट भी हो रहा है, और अब तो मौसम भी साफ हो गया अब शाम को। और बाकी तो सब सुना सुना है, बस एक ही चीज़ देखने को मिल रही है। मैं निकलता हूँ, ये देखो पार बकरियाँ। और सनसेट भी देख लो, वैसे यहाँ से नहीं दिख रहा, वैसे बार बार को दिख रहा है। तो यही है कुछ शाम का व्यू ऐसा। जब शाम का मौसम साफ होता है ना, तो सनसेट का जो मतलब यहाँ का जो व्यू है ना बहुत ही अच्छा आता है। बल्कि यहाँ तो अभी नहीं आता, यहाँ तो चले गए धूप, बाकी पार्क वार्क को बहुत सही लगता है, क्योंकि वहाँ पर ना ऐसे बिल्कुल टॉप टॉप पर जैसे पड़ी होती है सनसेट की रेज, जो भी रेज होती है बिल्कुल, तो बहुत ही सही होता है देखने को भी। तो अभी बज रहे हैं 9 और अब डिनर करने का टाइम आ ही है। तो आज हम ऐसे भी लेट है, वैसे कल का खाना बन गया था 8 बजे, तो आज 1 घंटा पूरा लेट है। वैसे हमारे घर में ना ऐसा चलता है कि 8:30-9 बजे तक ना सब खाना खा लेते हैं, फिर 9:30 बजे सारे सोने चले जाते हैं। तो मम्मी अभी चपाती बना रहे हैं, यहाँ पर दाल कौन सी बनाई है, राजमा मिक्स एंड आलू बड़ी। चलो आज ना राजमा बनी है, तो फिर ऐसा है कि आज के ब्लॉग को करता हूँ मैं एंड, तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय। और जो जो मेरे व्यूअर्स है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट करके बताओ कि कैसी मेरी वीडियोस। तब तक के लिए टिल देन बाय, मिलते हैं कल के वाले ब्लॉग में। और हाँ, बी अलर्ट कि मैं सुबह हमेशा 8 बजे वीडियो डालता हूँ, तब तक मतलब आज भी डाल दिया सुबह 8 बजे वीडियो, और कल भी ये वाली वीडियो कल आएगी 8 बजे। तो बाय, तब तक भी मिलता हूँ, टिल देन बाय, स्टे होम स्टे सेफ, बाय।